नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल न्यूज एंड आर्ट में। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, हम हिसार के राजगुरु मार्केट में हैं और यहां पर आज जो है कल धनतेरस है और परसों दीपावली है। उससे पहले की जो भीड़ आप देख रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कोरोना काल के दौरान जैसे ही लोग घरों में बंद थे और उसके बाद में ऐसी शहरों में पहली बार भीड़ देखने को मिल रही है। और ऊपर से अब त्यौहार भी है, दीपावली भी ऊपर से है, लेकिन इस तरह की जो भीड़ है, लोग शहरों में खरीदारी करने के लिए, हर प्रकार की खरीदारी करने के लिए निकले हैं और ये लगातार दो तीन दिन बाजारों में ऐसी भीड़ देखने को मिलेगी। लेकिन हिसार का जो राजगुरु मार्केट है वो सबसे भीड़ भाड़ का एरिया है और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा भीड़ देखने को मिलती है, हर बार यही होता है, लेकिन अब की बार तो पिछले छः महीनों से भी ज़्यादा के समय में कोरोना काल के दौरान लगातार लोग अपने घरों पर थे और अब जैसे धीरे धीरे लोग हैं घरों से बाहर निकले हैं और सामान और ख़रीदारी कर रहे हैं। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि दुकानों के अंदर है वो छकाछक दुकानें वो भरी हुई है, दुकानों के अंदर भी पांव रखने के लिए जगह कहीं पर नहीं है, लगातार लोग आ रहे हैं खरीदारी करने के लिए। हम आपको बता दें कि जो ग्रामीण क्षेत्र के एरिए थे, ग्रामीण जो लोग थे वो भी अब घरों से निकले हैं, क्योंकि जो गांव के अंदर जो खेती बाड़ी का कार्य था अब वो भी लगभग अभी बिजाई हो चुकी है, गेहूं की बिजाई चल रही है, वो लोग भी बाजार में शहरों में खरीदारी करने के लिए आए हुए हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर पूरा आगे तक का जो एरिया है वहाँ पर पूरा भीड़ भाड़ ही दिख रही है, कहीं पर भी पाँव रखने के लिए जगह नहीं है। हालांकि हम आपको बता दें कि अगर आप राजगुरु मार्केट में आप भी आना चाहते हैं तो आप मास्क जरूर लगाएं। यहाँ पर आप देख रहे हैं तस्वीरों में ज़्यादातर लोग हैं मास्क लगाए हुए आपको दिखेंगे, पुलिस कर्मचारी है वो भी लगातार यहाँ घूम रहे हैं। लगातार यहाँ पिछले एक सप्ताह से करीबन मार्केट कमेटी और नगर पालिका के कर्मचारी यहाँ घूम रहे हैं और यहाँ पर सुविधा करवाने के लिए कोरोना काल के दौरान, ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए लगातार यहाँ पर प्रशासन भी जुटा हुआ है। आप तस्वीरों में लगातार देख रहे हैं कि भीड़ ऐसी है कि कहीं भी पांव रखने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं है। मैं आपको चल के आगे भी थोड़ा सा दिखा दूं कि किस तरह से की ये न्यूज एंड आर्ट। मैं भी बता देती हूँ। हाँ, हमारे साथ में एक क्या नाम आपका? रेखा सोनी जी है और ये कुछ खरीदारी करने आए हैं। हम इससे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खरीदारी करने आए हैं और कितना जोश है दीपावली की खरीदारी को लेकर। जी, पब्लिक को मतलब क्या नाम है कि ये जो कोरोना चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे थे कि नहीं जाएंगे, लेकिन दिवाली फेस्टिवल ही ऐसा है कि सारे अपनी मतलब शॉपिंग के लिए आए हुए हैं, तो ठीक है, एंजॉय फेस्टिवल, कोरोना वायरस आता जाता रहेगा। आपने क्या कुछ खरीदारी की है? मैंने शर्ट ली है, स्वेटर ली है और एक दो गिफ्ट खरीदे हैं मैंने। आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे त्यौहार पर? मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि कृपया मास्क का प्रयोग करें और घर जाके अच्छे से अपने नहा के कपड़े साइड में रखें जाते ही, लेकिन एंजॉय दिस फेस्टिवल, क्योंकि साल में सिर्फ एक बार आता है ये त्यौहार। थैंक यू। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो खरीदारी को लेकर लोगों में उत्साह है वो लगातार बना हुआ है, क्योंकि दीपावली के नज़दीक होने के कारण, दीपावली का पर्व होने के कारण, और शहरों में लोग निकल रहे हैं क्योंकि कोरोना काल के दौरान पिछले लगातार कई महीनों से लोग अपने घरों पर थे और अब जो इकट्ठी खरीदारी कर रहे हैं लोग। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि भीड़ ऐसी है कि कहीं पर भी आपको कोई पांव रखने के लिए जगह दिखाई नहीं देगी, बहुत कम स्पेस यहां पर बचा है। हालांकि जो मार्केट कमेटी और नगर पालिका ने जो एक निर्णय लिया है कि अब की बार राजगुरु मार्केट में जो गाड़ियां बैरिकेड लगाकर जो गाड़ियों को रोका गया है, गाड़ियों की जो पार्किंग है वो राजगुरु मार्केट से बाहर की है, ये एक बड़ा फैसला है जिसको लेकर यहां पर भीड़ भाड़ भी नहीं होगी और लोग हैं वो अपने आराम से खरीदारी कर सकते हैं। जिस तरह गाड़ियों को रोकने के बाद और जिस तरह से तमाम है जो बाइक और जो पैदल जो खरीदारी कर रहे हैं उनके लिए भी बिल्कुल जगह नहीं है। आप लगातार हमारी तस्वीरों में बने रहें, जिस तरह से लोग कपड़े भी बेच रहे हैं और जिस तरह की सेल को लेकर लगातार लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, कस्टमरों को, ग्राहकों को लगातार दुकानदार आकर्षित करने के लिए तरह तरह की स्टॉलें लगाई हुई हैं। आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि शर्टों को बेचने के लिए, कपड़ों को बेचने के लिए तमाम तरह के जो दुकानदार हैं वो अपने तमाम तरह के मार्केटिंग की चीज़ें अपना रहे हैं ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक उन तक पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा दीपावली पर उनके दुकान की खरीदारी हो। यहाँ पर थोड़ा सा लोग कम हैं। हम कुछ पूछना चाहेंगे कि जो मार्केट में आए हैं कुछ भाई साहब हैं, क्या नाम आपका? दिनेश जी, क्या खरीदारी कर रहे हैं आज? खरीदारी तो यही कपड़े। कैसा लग रहा है दीपावली के ऊपर से हैं और आप मार्केट में? बहुत अच्छा लग रहा है, काफी दिनों बाद इतनी भीड़ देख लग रही है, बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहना चाहेंगे, कोरोना काल चल रहा है और दीपावली भी ऊपर से है, आज के लिए सब माफी है, प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, बहुत अच्छा लग रहा है और काफी दिनों बाद इतने लोग बाग देख के मजा आ रहा है। पुलिस भी यहाँ लगातार बनी हुई है, मार्केट कमेटी के लोग भी है जो मास्क नहीं लगाता चालान काटे जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए? नहीं, बिल्कुल बहुत सही कर रहे हैं, प्रशासन ने अच्छी व्यवस्था कर रखी है, जगह जगह पे मतलब खड़े कर रखे हैं अपने
कैंडिडेट और बढ़िया काम कर रहे हैं। जैसा लोग आप कुछ कहना चाहेंगे? बस भाई जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग जो कह रहे हैं कि प्रशासन की जो व्यवस्था है वो एक अच्छी व्यवस्था है, कहीं ना कहीं लोगों के इसके लिए भी सुविधाएं होंगी और लोग जो खरीदारी कर रहे हैं उनको किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, जो अपने काम धंधा करने वाले हैं रोजी रोटी का जुगाड़ के लिए ताकि त्यौहार के ऊपर वे अपने कुछ जुगाड़ कर सके, तो इस तरह के लोग हैं वो अपने स्टॉल भी लगाए हुए हैं। हालांकि ये स्टॉलें कहीं बाहर जो गवर्नमेंट कॉलेज का ग्राउंड है वहाँ भी लगाई हुई है ताकि भीड़ भाड़ न हो, लेकिन दुकानों में आप देख रहे हैं कि किस तरह से लगातार जो भीड़ बनी हुई है, दुकानों पर लगातार जो खरीदारी करने के लोग आ रहे हैं और भीड़ बहुत ज़्यादा है, जिससे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तो धज्जियाँ उड़ रही है। लेकिन कोरोना काल के दौरान जो प्रशासन का जो शक्ति अपनाई है प्रशासन ने ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मास्क पहनाएं, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रशासन की जो एक मुहिम है वो सफल होती हुई दिखाई दे रही है। हिसार ही एक ऐसा एरिया है, ज़्यादातर जो शहरों में हैं वो जो लोग हैं जो शहरों में जो लोग हैं वो मास्क कम लगाते हैं, कोरोना का लोगों के अंदर जो खौफ था वो बहुत कम हो गया था, लेकिन अब जो प्रशासन की शक्ति के बाद एक बार फिर लोगों ने मास्क लगाए हैं और कोरोना का जो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग जरूर कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग तो धड़ियां उतर रही हैं। हमारे साथ एक ड्राई फ्रूट बेचने वाला है, ये बाइक पर बैठा है और रास्ते में अपने ड्राई फ्रूट बेच रहा है, इनसे जानेंगे क्या क्या कुछ काम है और कैसा काम है। बिल्कुल ही दोनों काम है, काम के लिए हमको बार बार परेशान किया जा रहा है, निगर गाड़ी वाला आता है बार बार उठाते हैं, हम भागते माल धंधा बिल्कुल नहीं चल रहा है हमारा। आप कहाँ से आए हैं? हम बाहर से दिल्ली से आए हैं। कि हर बार आते हैं इसी बार आए हैं? हर बार आते हैं। अब की बार कैसा काम धंधा, कब से यहाँ आए हैं आप? बिल्कुल ही नहीं है। क्यों, क्या मतलब लोग खरीदारी नहीं कर रहे, कैसा कोरोना का डर है? खरीदारी कर रहे हैं बार बार, वो आते गाड़ी वाले उठा के ले जाते हैं सामान, नगर नंबर वाला आता है, जो पुलिस वाले आते हैं परेशान कर रहे हैं। परेशान किया जा रहा है? हाँ परेशानी किया जा रहा है हमको। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि लोग जो कह रहे हैं कि मार्केट कमेटी के लोग हैं वो व्यवस्था बनाने के लिए छोटे दुकानदार हैं जो अपनी स्टॉल लगाकर कहीं ना कहीं कुछ बेच रहे हैं उनको कहीं ना कहीं रोक लगा रहे हैं। ये जो राजगुरु मार्केट का एरिया है लगातार, अब कल धनतेरस है, कल भी मार्केट में इससे ज़्यादा भीड़ देखने को मिल सकती है। आप भी अगर राजगुरु मार्केट में आना चाहते हैं तो अपने मास्क का जरूर प्रयोग करें, क्योंकि प्रशासन है वो लगातार यहाँ पर चालान काटे जा रहे हैं प्रशासन के द्वारा। ठीक है दोस्तों, हमारे साथ बने रहेगा, हम मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।